गाइस हेलो, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं टेक शो। से दोस्तों आज कुछ तूफानी करते हैं, मतलब अमेजोन फ्लेक्स की तो वाट लगाते ही है और कुछ अच्छी बातें भी उनकी कहते हैं यार, कुछ तो कहना चाहिए क्योंकि अमेजोन फ्लेक्स ने पार्ट टाइम जॉब करने वालों की तो अच्छी सेवा की है। सेवा तो की है लेकिन दिक्कतें भी बहुत है, वो सब मैं आपसे शेयर करूंगा। आप वीडियो में बने रहिए अंत तक और मज़ा लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बातें आपको पता नहीं ना तो आप अमेजोन फ्लेक्स का काम करने में क्या दिक्कत आती है, क्या मज़ा है वो पता होना चाहिए। तो इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिए और पूरा मज़ा लीजिए। ओके दोस्तों, तो अमेजोन फ्लेक्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैं आपको बताऊंगा। ओके, वन बाय वन बता दूंगा। ओके, तो अमेजोन फ्लेक्स के पहले एडवांटेजेस बताता हूँ, बाद में डिसएडवांटेजेस। ओके, तो फर्स्ट एडवांटेज है वो है आपको टाइम पर पेमेंट देता है अमेजोन। आपको हर वेडनेसडे को टाइम पे मतलब पेमेंट देगा, मतलब दिन में अभी पहले 12 बजे आता था, 3 बजे आता था, बाद में अभी अभी 6 बजे आता है, अभी 7 बजे आता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ रहा है अमेजोन फ्लेक्स में, पेमेंट थोड़ा लेट लेट होता जा रहा है, लेकिन वेडनेसडे को मतलब आता ही है आपको पेमेंट। तो दिक्कत की ना काम नहीं है, पेमेंट आपको आता ही है। वो अपना 5 रुपीज़ मतलब 480 आप कमाते हो तो 475 करके आपको पेमेंट करती है टाइम पे। ओके, तो ये पहला एडवांटेज है अमेजोन फ्लेक्स का। सेकेंड एडवांटेज है कि आप अमेजोन फ्लेक्स का ऐप यूज़ करते हो तो आपको अच्छा लगेगा, इजी लगेगा, क्योंकि अमेजोन फ्लेक्स में ज़्यादा मतलब जो ऐप बनाया है उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत का काम नहीं है। आपको सिंपल सा यूज़र इंटरफेस मिलेगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, सिंपल यूज़र इंटरफेस है। और नेक्स्ट जो एडवांटेज है, आपको 4 घंटे का बेस्ट वैल्यू मिलता है, मतलब 480 रुपीज़ 4 घंटे के लिए एक अच्छी वैल्यू है जो पार्ट टाइम के हिसाब से बेहतर मानी जा सकती है। ओके, जो फोर्थ एडवांटेज है कि आपको अच्छे अच्छे ऑफर्स मिलेंगे अमेजोन फ्लेक्स की तरफ से, मतलब हर टाइम, मतलब 8 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ऐसे ऑफर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ है जो अपना एडवांटेज है वो आपको बैंक अकाउंट चेंज करने की एक अच्छा ऑप्शन दिया है। कभी भी आप अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। ओके, तो कभी भी आपको लगा कि इस बैंक में मुझे पेमेंट नहीं चाहिए तो इजीली बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको उसका प्रोसेस चाहिए तो मेरे आई बटन पे जाइए, इधर देखो, तो वहाँ पे मैंने ये वीडियो बनाया है कैसे बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं, तो आप वो देख के बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो एडवांटेज है कि आपको जो अमेजोन फ्लेक्स में मिलता है, जो अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लाता है अपने डिलीवरी एसोसिएट्स मतलब डिलीवरी पार्टनर्स के लिए, तो अमेजोन फ्लेक्स फिलहाल जो दिवाली में ऑफर्स लाए थे वो तो आपको पता ही होगा, वीडियो पर देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आई बटन में मैंने वीडियो डाला है, देख लीजिए। तो दिवाली प्रीमियर लीग मतलब डिलीवरी प्रीमियर लीग आया था दिवाली में। ओके, डिलीवरी प्रीमियर लीग में बहुत अच्छे ऑफर्स थे, आप इतना स्कोर करो इतना, तो वो अच्छे अच्छे ऑफर्स लाता है। और ये हो गए डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो ज़्यादा नहीं थे मेरे पास अमेजोन फ्लेक्स के, लेकिन डिसएडवांटेजेस की तो लग चुकी है, मतलब एडवांटेजेस है मेरे पास 6। ओके, और डिसएडवांटेजेस है 12, तो मतलब डबल। ओके, तो आप एडवांटेजेस भी देख के जो रखा है तो डिसएडवांटेजेस भी देख के ही जाना, क्योंकि डिसएडवांटेजेस में पहला मैंने डाला है, मतलब मैंने डाला मतलब सब जो डिलीवरी एसोसिएट सोचते हैं वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है पहला है वो आपको थर्ड क्लास मैनेजमेंट, मतलब अमेजोन फ्लेक्स के लिए अमेजोन ने कोई अच्छा सा मैनेजमेंट नहीं रखा है कुछ भी। मतलब आप जाते हो वहाँ पे, आपके टाइम की वैल्यू लगाते ही है, लेकिन आप कुछ कहेंगे कुछ, मतलब वो अच्छा सा मैनेज नहीं किया है। ओके, तो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस वो क्या, आपको जो आप डिलीवरी करने के लिए प्रोडक्ट जाते हो और तब रिटर्न आते हो, ओके, तो आपको रिटर्न आने के बाद कोई इज्जत नहीं दी जाएगी। मतलब जो रिटर्न पैकेट लेते हैं ना, वहाँ बैठेंगे, बैठो भाई 10-15 मिनट बैठो फिर देखेंगे, ऐसा बोलेंगे। मतलब आने के बाद कोई इज्जत नहीं है, इज्जत का कचरा कर लेते, जाओ बैठो 10 मिनट बाद आओ, नहीं तो उधर ना भीड़ रहेगी बहुत अच्छी लंबी लंबी, और ऐसा रहता है क्योंकि अमेजोन फ्लेक्स के लिए अच्छा सा मैनेजमेंट नहीं, पहले ही बता चुका हूँ मैं। ओके, थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है वो है आपकी कोई केयरिंग नहीं की जाएगी। पहले भी मैंने वीडियो में बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि आपको वहाँ पे कोई केयरिंग भी बात की यही नहीं है, उनको सिर्फ अपना ये क्या बोलते हैं
अपना रिकॉर्ड अच्छा रखना है, बाकी अमेजोन फ्लेक्स के डिलीवरी बॉयज को जो लगे वो लगे, उनकी वाट लगी तो लगी। ओके, फोर्थ डिसएडवांटेजेस है वो है कि आपको अच्छे पार्सल्स नहीं मिलेंगे। ओके, अच्छे पार्सल्स आपको, अगर आपने काम नहीं किया है तो पता नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अच्छे अच्छे एरिया रहते हैं, मतलब जो ढूंढने में आसान रहते हैं, वो आपको पैकेट नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि और भी थर्ड पार्टी वेंडर्स रहते हैं जो पैकेट्स डिलीवर करते हैं, तो उनके सुपरवाइज़र रहते हैं। ओके, अमेज़ॉन फ्लेक्स का कोई सुपरवाइज़र नहीं रहता, तो उनके सुपरवाइजर्स क्या करते हैं, अच्छे अच्छे पैकेट्स रहते हैं, मतलब जो अच्छा ढूंढने में दिक्कत नहीं होती, वो पैकेट्स उनको दे देते। बाकी जो कचरा रहता है वो कचरा अमेज़ॉन फ्लेक्स के पार्टनर्स मतलब डिलीवरी बॉयज़ को मिलता है। ओके, तो डिलीवरर्स को वो कचरा मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि वो डिलीवर करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सबको जो जो एड्रेस मिलते हैं उनको कॉल करना पड़ता है, तो बहुत टाइम जाता है उसमें। ओके, उसमें 5-6-7 घंटे भी जा सकते हैं। ओके, तो बहुत थर्ड क्लास पैकेट्स मिलते हैं अमेज़न फ्लेक्स को। ओके, तो हमेशा थर्ड क्लास नहीं मिलते, कभी कभी मिलते हैं, लेकिन कभी कभी मतलब आप हफ्ते के 7 दिन काम करते हो तो 4 दिन मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो फिफ्थ डिसएडवांटेजेस है वो है फुल एरिया, मतलब आप अगर, मैं बात करता हूँ सीवर्स नेहरू, मैं नवी मुंबई में बाहर रहता हूँ तो मैं वहाँ की बात करता हूँ। सीवर्स में जो बाकी के जो ऐसे एरिया रहते, पूरा एरिया घुमाएंगे, पूरा कितने सेक्टर, 10 सेक्टर है तो 10। ओके, और 5-6 हो गए तो 5-6 सेक्टर पूरा घुमाएंगे। लेकिन जो बाकी के जो डिलीवर बॉयज होते हैं थर्ड पार्टी वेंडर्स के, उनके जो सुपरवाइज़र रहते हैं वो उनको अच्छे अच्छे पैकेट्स निकाल के देते हैं, मतलब 2-3-4 सेक्टर का ही। लेकिन जो आपको है ना, वो पूरा एरिया घुमाएंगे, लेकिन आपकी कोई इज्जत नहीं है उधर, वो पहले से ही मैं बता चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है वो है कि आपको मनमानी होगी उधर, आपकी कोई नहीं सुनेगा, उनका आपको सुनना पड़ेगा। ओके, आप अगर उनको कुछ कहते हैं, हम आपका सुनने के लिए नहीं बैठते, हम जो बोलेंगे वही आपको करना है। ओके, ये आपको वहाँ होगा अमेज़ॉन फ्लेक्स में, पहले से ही बताते रहते हूँ। और अगर आप ये अमेज़ॉन फ्लेक्स का काम कर चुके हैं तो ज़रूर दोस्तों नीचे कमेंट में डालना कि मैं सच कह रहा हूँ कि झूठ कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स को लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है, कुछ इसके साथ हुआ होगा इसलिए बोल रहा हूँ। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, आपको शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है कि नो टाइम वैल्यू। ओके, नो टाइम वैल्यू, आपके टाइम की वैल्यू नहीं रहेगी इधर। ओके, टाइम आपका 4 घंटे का रहता है स्लॉट। ओके, 4 घंटे का स्लॉट रहेगा, तो आप उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके जाएंगे उधर, क्योंकि आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे। ओके, अभी आपका 4 का स्लॉट है, तो अभी जाएंगे आप 5-10 मिनट पहले, नहीं तो 2-3 मिनट बाद। ओके, तो वहाँ जाने के बाद आपको अभी अभी जो हुआ बताता हूँ, पैकेट्स तो तुरंत देंगे, पहले तो नहीं देते थे, अभी कुछ प्रॉब्लम मतलब ऊपर पता चलने के बाद अभी तुरंत देते हैं पैकेट, और स्कैन करने के लिए बोलते हैं। ओके, स्कैन करेंगे आप। ओके, बाद में आपको जो बैग रहेगी उसमें देने में टाइम लगाएंगे, बाद में उनके सिक्योरिटी रहते हैं गिनने के लिए पैकेट्स, वो गिनने में टाइम लगाएंगे, मतलब जो बाकी का काम रहता है ना उसमें बहुत स्लो रहेंगे ये, लेकिन जो पैकेट्स दे के पिक करने का टाइम रहता ना उसमें बहुत फास्ट रहेंगे। ओके, तो ऐसा अभी चल रहा है, और बाद में जब आप रिटर्न आते हो फिर पैकेट लेने में बहुत टाइम लगाएंगे, तो ऐसी बात चल रही है यहाँ पे, मतलब उनको सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए कि हम जल्दी पैकेट्स दे रहे हैं, ये टाइम लगा रहे, हम टाइम नहीं लगा रहे, ऐसा अभी चल रहा है। और आपके टाइम की तो वाट लगाने वाले, क्योंकि 4 घंटे का स्लॉट रहता है ना, तो 4 घंटे के स्लॉट के हिसाब से 20-25 पैकेट नए बंदे के लिए मारना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से ये अच्छे अच्छे पैकेट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पूरा एरिया घुमाएंगे, ये पूरा एरिया घुमाएंगे तो बहुत टाइम लगता है। ओके, तो नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस है वो है वेस्टेज ऑफ टाइम, तो मैंने बताई है। दूसरा है कि आपको एम्पॉज नहीं मिलता, तो बहुत सारे यूज़र्स को एम्पॉज क्या है पता नहीं होगा, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो जो कस्टमर आपको कार्ड पेमेंट करना चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, बाकी जो रहता है कि गूगल पे, फ़ोनपे, QR कोड पेमेंट, पेलिंग, ये सब कर सकता है, लेकिन जो कार्ड पेमेंट है वो नहीं कर पाएगा, तो कस्टमर बहुत चिल्लाता है आपको, आपको सुनना पड़ेगा कस्टमर का। ओके, कस्टमर बोलेगा क्या लाया कि उन्हें हर बार तो दूसरा लाता है, लेकिन आपको पता है कि अमेज़ॉन फ्लेक्स वालों को एम्पॉस नहीं देते ये लोग,
क्योंकि उनके पास एम्पॉज रहता ही नहीं है स्टॉक में, ऐसा वो बोलते हैं। ओके, तो एम्पॉज की तरफ से मैं बहुत नाराज़ हूँ, आपको नहीं मिलेगा तो कस्टमर आपको बोलेगा बहुत बेकार, और ऊपर से ये बोलेंगे भाई तूने एम्पॉज क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं करता, पेलिंग क्यों नहीं करता। उनको आपको आंसर देना पड़ेगा भाई कि वो कार्ड मांग रहे थे, वो फिर बोलेंगे कार्ड मांग रहे थे तो पेलिंग क्यों नहीं भेजा, ऐसा लफड़ा रहेगा। तो उनको क्या पता कि वो पेलिंग से पे नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी आपसे। ओके, तो नेक्स्ट है वो है कि एक्सचेंज पैकेट्स, ये बहुत दिक्कत का काम है। ओके दोस्तों, एक्सचेंज पैकेट क्या रहते हैं वो बहुत सारे यूजर्स को पता ही नहीं होगा जिन्होंने काम नहीं किया। ओके, लेकिन जो काम कर चुके वो पता होगा, वो कमेंट्स में बता देंगे आपको क्या होता है एक्सचेंज पैकेट। क्या होता है दोस्तों एक्सचेंज पैकेट, मतलब आप कस्टमर का पैकेट है वो लेके अपना पैकेट देना है, मतलब जो नया पैकेट है वो पुराना लेके नया देना है। उसमें आपको अगर दोस्तों 25 पैकेट में वो 10 पैकेट मिले ना, तो आपके टाइम की तो वाट लगने ही वाली है, क्योंकि एक्सचेंज पैकेट्स में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। जो प्रीपेड पैकेट है वो तुरंत हो जाता है, क्योंकि देना है और चलना है। एक्सचेंज पैकेट में आपको उस कस्टमर का पैकेट देखना है फिर बाद में देना है। ओके, तो इसमें बहुत सारा टाइम जाता है, और ये ज़्यादा बहुत सारे पैकेट्स देते हैं हम एम्प्लेक्स के बंदों को, तो ये बहुत दिक्कत का काम है, बहुत दिक्कत। ओके, तो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेजेस है वो है रश ऑफ कलेक्ट ऑफर्स। दोस्तों ऑफर्स आपको पिक कर, मतलब जो अमेजोन फ्लेक्स के ऐप पे ऑफर्स दिखते हैं हम सबको, 2 का 4 का 6 का 8 का, तो पार्ट टाइम वालों को तो ऑफर्स मिलेंगे नहीं। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि बहुत सारे अमेजोन फ्लेक्स ने ऐसे बंदे हैं जो वही काम करते हैं, तो वही काम करते हैं तो उनको ऑफर्स मिलेंगे, क्योंकि वो तो ऐप में ही पड़े रहते हैं तो ऑफर्स देखते रहते हैं। और जो ऐसे ही काम करते हैं, मतलब जो पार्ट टाइम ऐसे पार्ट टाइम बेसिस या ऑफिस में रहते हैं, तो और जब ऑफिस में रहते तभी ये ऑफर्स निकलते, तो आपके मन मन के हिसाब से ऑफर्स नहीं मिलेंगे आपको। ओके, तो 4 का 5 का डेली रहेगा, क्योंकि वहाँ उस उन तक ऑफर्स कोई लेता ही नहीं है। सुबह के ऑफर्स कभी आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो पहले से बुक हो जाते हैं, बहुत सारे बंदे ऐप पे पड़े ही रहते हैं। ऐसी दिक्कतें हैं, ऑफर्स तो आपको मिलेंगे नहीं, ऊपर से आपका आईडी इतने बनाए हैं अमेज़ॉन ने कि इतना रश होता है ऑफर कलेक्ट करने में, कि आपको मिलेगा ना मिलेगा, मतलब आपको गारंटी नहीं है कि ऑफर्स मिलेंगे ना मिलेंगे। लेकिन इतना गारंटी मैं दे सकता हूँ कि दिवाली, मतलब जो पीक सीजन रहते हैं तब आपको ऑफर्स मिलेंगे, क्योंकि तब ऑफर्स ज़्यादा रहते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा रहती है, बाकी के दिन सिर्फ चलाने के लिए ऑफर्स चलाते हैं। ओके, और एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, आप अमेज़ॉन फ्लेक्स करना चाहते हो ज़रूर करो, दिक्कतें हर काम में आएंगी और मैं बताऊँगा भी। ओके, दिक्कतें हर काम में आती है, इस काम में भी है, अमेज़ॉन फ्लेक्स सुधारेगा ये सब दिक्कतें, और अमेज़ॉन फ्लेक्स बॉयज़ है उनकी जो दिक्कतें हैं वो मैं मेरे चैनल की ओर से बता रहा हूँ। ज़रूर वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें सुधार लाए और अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट कर ले अमेज़ॉन फ्लेक्स के लिए, क्योंकि ये बहुत दिक्कतें हैं, अगर सुधारा जा सकते सुधार सकते हैं। मुझे गाली दे सकते हैं तो गाली दे दो कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो अमेज़ॉन फ्लेक्स में काम कर रहे हैं वो ज़रूर कमेंट करना, आपकी क्या दिक्कत है और क्या आपको अमेज़ॉन फ्लेक्स में अच्छा लगा हो वो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि सारे व्यूअर्स को पता चले कि क्या अमेज़ॉन फ्लेक्स आपके लिए अच्छा है, क्या अमेज़ॉन फ्लेक्स पार्ट टाइम जॉब के लिए अच्छा है, क्या अमेज़ॉन फ्लेक्स फुल टाइम करना चाहिए। उसके लिए भी क्या आपको अलग सा वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट में बताना, तो मैं ज़रूर बताऊँगा कि अमेज़ॉन फ्लेक्स आपको पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम, वो भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा अगर आपकी राय हो तो। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।